क्या गाइस आप लोग यहां पर एक सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस को 2020 में बाय करना चाहते हो, इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो और रिव्यू वीडियो को प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपके लिए इसकी कैमरा क्वालिटी देखने को मिलने वाली है, बिकॉज अब इसकी जो कैमरा क्वालिटी है उसमें जो रियर कैमरा है उसका मुझे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला, तो आप भी इसको वीडियो में इंजॉय कर सकते हो। तो वीडियो का एंड तक देखिए जिससे आपके लिए इसी सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस की कैमरा क्वालिटी के बारे में डिटेल में पता चल जाए। हे गाइस, आई एम ऋषि सेंगर, दिस इज यूट्यूबर एस। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, आशा करता हूं आपके लिए वीडियो पसंद आएगी। देखिए गाइस, ये आ जाता है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस डिवाइस, जिसमें अगर मैं यहाँ पर फर्स्टली आपके लिए बता दूं कि अगर आप यहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी को एंजॉय करना चाहते हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके एंड में देख सकते हो, जिसमें मैंने आपके लिए कुछ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के एग्जाम्पल शेयर किए हैं, उससे आपके लिए इसकी वीडियोग्राफी के बारे में पता चल सकेगा। तो उसके साथ साथ अगर आप डिटेल में कैमरा क्वालिटी के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देख सकते हो। वीडियो को शुरू करते साथ मैं आपको बता दूं, इस डिवाइस में आपके लिए यहाँ पर डुअल रियर कैमरा का सेटअप मिलेगा, जिसमें आपके लिए प्राइमरी लेंस आता है 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, जिसमें आपके लिए f1.5 से 2.4 तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके लिए सेकेंडरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस के साथ आता है, जिसमें आपके लिए f2.4 का एपर्चर मिलता है, जिसमें आपके लिए 2x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं इसके फीचर्स की बात करता हूं तो यहां पर आपके लिए LED फ्लैश देखने को मिलता है साइड में लगा हुआ, इसके साथ साथ ऑटो HDR का सपोर्ट और पैनारोमा जैसे बहुत सारे मोड्स का सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं रियर कैमरा से, आप यहां पर 4K 60fps तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसमें आपके लिए HDR का सपोर्ट मिलेगा, स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलेगा और उसके साथ साथ आपके लिए इसमें OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, बट वो आपके लिए यहां पर 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर ही देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपके लिए यहां पर सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, जिसमें आपके लिए f1.7 का एपर्चर मिलेगा। इसके अलावा आपके लिए यहां पर 2 मेगापिक्सल का इरिस स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर फीचर्स की बात करता हूं तो यहां पर आपके लिए डुअल वीडियो कॉल का सपोर्ट देखने को मिलता है, ऑटो HDR और 1440p 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। के लिए यहां पर सामने ही देखने को मिल जाता है लाइव फोकस मोड, जिसमें आप एडजस्ट कर सकते हो कितना आप यहां पर फोकस करना चाहते हो। इसके साथ साथ आपके लिए फोटो और वीडियो मोड देखने को मिलता है, जिसमें आप यहां पर जूम को भी एडजस्ट कर सकते हो कि किस लेंस से आप यहां पर फोटो और वीडियो को कैप्चर करना चाहते हो। इसके साथ साथ मोर ऑप्शन मिलता है, जिसमें यहां पर बहुत सारे और भी मोड्स हैं जिसमें आप चाहो तो इनको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप इसको फ्रंट जो लेआउट है यहां पर कैमरा का इंटरफेस है उसमें अगर आप यहां पर इसको ड्रैग करना चाहते हो तो आप यहां पर सिंपली इसको ड्रैग कर सकते हो, जो कि आपके लिए सामने ही देखने को मिल जाएगा उसके बाद वो मोड। तो उसी साथ अगर मैं मोड की बात करता हूं तो यहां पर आपके लिए प्रो मोड, पैनारोमा मोड, नाइट मोड, वाइड सेल्फी, स्पोर्ट्स, सुपर स्लो मोशन, हाइपर लैप्स, AR, इमोजी जैसे बहुत सारे मोड्स आपके लिए इस डिवाइस में देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आप कैमरा के इंटरफेस में देख रहे होंगे अपर साइड में भी आपके लिए कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उनके बारे में बात करता हूं तो यहां पर आप फ्लैश को एडजस्ट कर सकते हो, आप उसको ऑन रखना चाहते हो, ऑटो या ऑफ रखना चाहते हो। इसके साथ साथ आप टाइमर को भी एडजस्ट कर सकते हो, पिक्चर साइज को भी एडजस्ट कर सकते हो कि आपके लिए किस साइज में आप पिक्चर को क्लिक करना है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं तो आप यहां पर मोशन फोटो वाले ऑप्शन को भी इनेबल करके पिक्चर को क्लिक कर सकते हो, फिल्टर और ब्यूटी मोड भी आपके लिए यहां पर देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं तो ऊपर की साइड आपके लिए यहां पर सेटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आप बहुत सारी सेटिंग्स को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। अगर मैं डिटेल में बात करता हूं तो यहां पर मैं आपको बता दूं आपके लिए यहां पर पिक्चर के साइज जो होता है उसको आप यहां से भी एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ जो शटर बटन है उसको भी यहां पर एडजस्ट कर सकते हो कि आप अगर उस पर देर तक प्रेस करते हो तो आपके लिए वहां पर एक जिफ क्रिएट करना है या यहां पर आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना है, इस तरह से आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप वीडियो के साइज को भी एडजस्ट कर सकते हो। यहां पर आपके लिए एक ऑप्शन देखने को मिलता है हाई एफिशिएंसी वीडियो, जिसमें आप यहां पर जो स्पेस होता है उसको सेव कर सकते हो, बट अगर आप इस मोड पर वीडियो को क्रिएट करते हो तो यहां पर चांसेस ये हैं कि इसको आप दूसरे मोबाइल में अच्छे से नहीं यूज कर पाओगे, इस वीडियो को नहीं देख पाओगे, इसके साथ साथ आप इसको ऑनलाइन में भी अपलोड नहीं कर पाओगे। ये सारे प्रॉब्लम्स आपके लिए इस मोड में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर सुपर स्लो मोशन भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आप यहाँ पर सिंगल टेक या मल्टी टेक लेना चाह रहे हो। इसके साथ साथ आप यहाँ पर वीडियो स्टेबलाइजेशन को भी इनेबल कर सकते हो, शूटिंग मेथड को भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा एंड में आप यहाँ पर स्टोरेज की लोकेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ तो आपके लिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स को शेयर करूंगा, जो कि आपके लिए जो जो हमने मोड के बारे में यहाँ पर डिटेल में बात की उन मोड्स पर आपके लिए पिक्चर्स देखने को मिल जाएगी। तो वो आप यहाँ पर नीचे कमेंट में बता सकते हो कि आपके लिए इस डिवाइस की कैमरा क्वालिटी कैसी देखने को मिली।
भाई जिस तरह से आपने यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी एस नाइन प्लस की कैमरा क्वालिटी और वीडियोग्राफी देखी, उसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर देखने को मिली। बट यहाँ पर कुछ प्रोज एंड कॉन्स आते हैं, जिसमें मैं फर्स्टली यहाँ पर बात करता हूँ प्रोज की। तो गाइस यहाँ पर आपके लिए जो रियर कैमरा है वो उसकी परफॉर्मेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। जिस तरह से आपने उसकी कैमरा क्वालिटी देखी कि पिक्चर को आप यहाँ पर अगर जूम करके भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए उसमें पिक्सल्स बहुत कम फटते हैं कंपेयर देन अदर स्मार्टफोन। इसके साथ साथ अगर गाइस मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो प्रो मोड है उस पर भी आपके लिए कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर मिलती है, जिसमें आप मैनुअल सेट करके एक पिक्चर को क्लिक कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां पर जो वीडियोग्राफी है उसकी क्वालिटी भी आपको बेटर देखने को मिलती है, और उसके साथ साथ जो आपके यहां पर स्लो मोशन मतलब कि सुपर स्लो मोशन जो आपके लिए देखने को मिलता है वो भी बहुत ज्यादा एडवांस है। उसके भी शॉर्ट्स को यूज में लेकर आप अपनी वीडियोग्राफी को बहुत बेहतर बना सकते हो। तो जो सुपर स्लो मोशन आता है वो भी फीचर मुझे इसका बहुत ज्यादा बेहतर लगा। इसके साथ साथ रियर कैमरा बिल्कुल परफेक्ट आता है सैमसंग की तरफ से। इसके साथ साथ अगर मैं गाइस बात करता हूं तो यहां पर जो सेल्फी कैमरा है उसकी क्वालिटी मुझे ये प्रॉपर देखने को नहीं मिली। अब ये भी हो सकता है कि जो सेल्फी कैमरा आपके लिए जो न्यू स्मार्टफोन आएगा उसका आपके लिए बेटर देखने को मिले, बिकॉज ऑफ ये यहाँ पर एक सेकंड हैंड स्मार्टफोन है और इसमें जो सेल्फी कैमरा की क्वालिटी हाँ वो एक हद तक बेटर है, उसके भी पिक्सल्स नहीं फट रहे हैं, बट जो उसमें क्लियरिटी आती है वो मुझे यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रही है। उसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और डिवाइस में वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। तो इसके बेसिस पर सेल्फी कैमरा के लिए अगर आप सैमसंग गैलेक्सी एस नाइन प्लस को बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ पर किसी और डिवाइस के लिए जा सकते हो, बिकॉज ऑफ मुझे इसमें बेटर क्वालिटी देखने को नहीं मिली। रियर कैमरा बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो सैमसंग गैलेक्सी एस नाइन प्लस को 2020 के हिसाब से बाय कर सकते हो। जिस तरह से आपने इसकी अनबॉक्सिंग देखी, रिव्यू देखा जिसमें हमने बात की कि आपके लिए किस तरह से सेकंड हैंड स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए, इसके साथ साथ यहाँ पर आपने इस कैमरा क्वालिटी वाली वीडियो को भी देख ली। अब परफॉर्मेंस के तौर पर यहाँ पर सैमसंग में कुछ ऐसा धमाल नहीं आता है कि जिसको हम यहाँ पर डेडिकेटेड वीडियो बनाएं। हाँ उसमें एक आपके लिए एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, बट अगर कंपेयर करते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के चिपसेट से तो उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कमजोर देखने को मिलती है। तो शायद से मैं परफॉर्मेंस पर वीडियो बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में तो नीचे कमेंट करके बताइए। और सब साथ यही थी कैमरा क्वालिटी के ऊपर डिटेल्ड वीडियो। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस के लिए। इसके अलावा स्मार्टफोन से रिलेटेड एडवाइस के लिए हमारे लिए इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, जहां पर आप जैसे ही मैसेज करते हो तो मैं आपके लिए एक बेटर स्मार्टफोन वहां पर रिकमेंड करूंगा और वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर डिवाइस होगा। इसके साथ साथ लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आगे मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में।